नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। तो चलिए, दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो गया है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो आइए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी शहर का शनि बाजार लगातार दूसरे हफ्ते भी बंद रहा। शनि बाजार को नगर निगम द्वारा ठेके पर दिए जाने के विरोध में व्यापारी पिछले दो हफ्ते से शनि बाजार मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। हल्द्वानी में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका तत्काल निस्तारण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को लोगों की परेशानी का निस्तारण करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। हल्द्वानी में बीते दिन हुई बारिश ने नगर निगम के सफाई के दावों की पोल खोल दी थी। जगह जगह हुए जल भराव को देखते हुए आज नगर निगम द्वारा कई जगह सफाई अभियान चलाया गया। बरेली रोड और कमलवा गांजा रोड में नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के MBBG डिग्री कॉलेज के हॉल में मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते 12 वर्ष और प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 20 सालों के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई। आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 21वीं सदी के भारत का रोडमैप देश के सामने रखा था, जिसे फिर दोहराने की जरूरत है। भारत विकास परिषद हल्द्वानी शाखा ने राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हल्द्वानी के हरगोविंद सुयाल विद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें हल्द्वानी नगर के 28 स्कूलों की 56 टीमों ने प्रतिभाग किया। MBBG कॉलेज दो दिन की छुट्टी के बाद आज खुल गया। कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए विद्यार्थियों की भीड़ सुबह 10 बजे से सभी काउंटरों पर लगी हुई थी। प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने बताया कि अभी तक 1595 छात्रों ने दाखिला लिया है। तो हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।